ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। खबर है उत्तराखंड से, जहां मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के संबंध में ग्राम विकास एवं पलायन आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का विमोचन किया। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाए, इसमें विभिन्न विभागों से संचालित योजनाओं को आच्छादित किया गया है। इसके समन्वय के लिए राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर एसएस नेगी ने बताया कि 21 जून तक वापस आए प्रवासियों में से 2,15,875 का सर्वेक्षण किया गया। इनमें सबसे अधिक प्रवासी पौड़ी व अल्मोड़ा लौटे हैं। वैसे राज्य के सभी विकास खंडों में प्रवासी लौटे हैं। इनमें अन्य राज्यों से 80.66%, विदेशों से 0.29%, राज्य के भीतर एक ही जनपद से दूसरे जनपद में 18.11% और एक जनपद के भीतर ही 1% है। उत्तराखंड लौटे प्रवासियों की स्किल मैपिंग की गई है। इनमें सबसे अधिक 58% लोग प्राइवेट नौकरी और आतिथ्य क्षेत्र में कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त तकनीक, BPO, स्वरोजगार योजना से जुड़े लोग हैं, छात्र व मजदूर भी आए हैं। रिपोर्ट में प्रवासियों के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें तमाम विभागों की योजनाओं को शामिल किया गया है। इसके राज्य स्तर पर इनमें समन्वय के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वापस लौटे अधिकांश लोग आतिथ्य व सेवा क्षेत्र में अनुभव रखते हैं। इसका लाभ होम स्टे, इको टूरिज्म, साहसिक लोक खेल आदि गतिविधियों में मिल सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के तकनीक सलाहकार डॉक्टर नरेंद्र सिंह, आर्थिक सलाहकार श्री आलोक भट्ट, IT सलाहकार श्री रविंद्र पेटवाल आदि उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड से कोमल सिंह की रिपोर्ट।